सभी दोस्तों को जय महाकाल। और आज हम महाकाल की नगरी यानी कि जिसको हम भोजपुर कहते हैं वहाँ पर आए सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, भगवान शंकर का विवाह का दिन है आज, और उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपको पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि भगवान शंकर का विवाह आज ही के दिन यानी शिवरात्रि के दिन हुआ था, और इसी वजह से इसको महाशिवरात्रि के नाम से, या फिर कह सकते हैं कि शिव और शक्ति के मिलन का जो दिन है उसके उस दिन के नाम से इसको जाना जाता है। और सभी भक्तजन जो भी हमारे हिंदू समाज में या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इस दिन को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको कुछ दोस्तों से मिलाता हूँ जो कि हमारे साथ आए हैं, बहुत दूर से आए, भोपाल से आए हैं। और सर, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर कितने सालों से आ रहे हैं? मैं यहाँ पे करीब 8 से 10 सालों से आ रहा हूँ। और ये बताइए, आपको जब आप यहाँ आते हो तो आपको कैसी अनुभूति होती है भगवान शिव के दर्शन करने के बाद? भगवान कि किसी भी मंदिर में जाओ, एक आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। और यहाँ बाबा भोलेनाथ का स्थान है, और यहाँ पे आके तो एक अपनापन सा फील होता है कि हाँ, हम चाहते हैं कि आप कोई चमत्कार जो आपके साथ हुआ है, इतने साथ इतने सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है ये बताइए आप। कई सारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, जो भी विश्व में मांगता हूँ यहाँ आकर मुझे कंटिन्यू कुछ ना कुछ बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से मिलता ज़रूर है। तो अब हमारे पास है मिस्टर ब्रिजेश, और मैं जितना जानता हूँ इनको, ये बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। इनके इनका जो हृदय है, इनका जो मन है, वो बहुत ही साफ जिसको कहते हैं वैसा प्रकार के जो इंसान है। सर, मैं जानना चाहता हूँ, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है और देते ही जा रहे हैं ये मैं जानता हूँ, ठीक है? तो आप ये बताइए कि जब आप भगवान शिव के दर्शन करने हर साल आते ही हम लोग, है ना, तो आपके 2-3 साल में क्या परिवर्तन आपकी लाइफ में आया है जो आप महसूस करते हैं? सबसे पहले तो बाबा भोलेनाथ की जय, और सर ने जो भी मेरे लिए कहा है वो उनका बड़प्पन है। और सही बात में कहें तो अगर यहाँ पे आना मतलब कि आप चारों धाम जो घूम सकते हो आप, ऐसा यहाँ पे एक महसूस होता है। रही बात 3 साल की जो महसूस हुआ या मुझे हुआ, बाबा का हाथ तो बहुत पहले से था। 3 साल में मेरा शादी हो गया, मेरा तरक्की हुआ, मेरे जॉब में भी मेरे को ऊपर मुझे स्टेटस मिला, सब जानते हैं और अच्छे से प्यार भी करते हैं, और घर में भी सब बहुत बहुत शांति है। और क्या चाहिए, बाबा का आशीर्वाद है, और क्या चाहिए। तो मतलब भगवान ने, भोलेनाथ ने आपको भरपूर दिया है बहुत, तो इसके लिए आप भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? हाँ, बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं। और मैं कहना चाहूँगा जो मेरे दोस्त लोग हैं यहाँ पर भी मेरे साथ, सूरज सर भी आए हुए हैं, राहुल सर आए हुए हैं, प्रशांत सर आए हुए हैं, और आप भी आए हुए हैं, इनका सबका आशीर्वाद रहे मेरे ऊपर, तो मैं हर कुछ कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ लाइफ में। थैंक यू। मैं आपको मिलवा रहा हूँ, हमारे ग्रुप के सबसे छोटे जो मेंबर है, उम्र में भी छोटे हैं, और अभी अभी हमको ज्वाइन किया है इन्होंने। तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? सबसे पहले तो शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और जैसा कि यहाँ पर मैं दूसरी बार आया हूँ हमारे गुरु जी के साथ, ये हमारे लिए हमारे गुरु जी हैं, और इन्हीं के कारण आज हमें यहाँ के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और बाबा भोलेनाथ की तो बात ही अलग है। तो चलिए, हमारे जो ग्रुप है उसमें आप कुंवारे हैं, तो आपने भगवान शंकर से क्या अपना कुंवारापन दूर करने के लिए कुछ मांगा है या कुछ और मांगा है? नहीं, वो तो क्या है, किस्मत में जब जो लिखा हुआ है वो तो मिल ही जाएगा। बाकी बस भोलेनाथ से सभी के लिए मंगल कामनाएँ मांगी गई है, और सब खुश रहे, आबाद रहे। बहुत अच्छी बात है। अब आप मिल रहे हैं, ये सूरज सर हैं, और ये हमको करीबन 5 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, और हर बार जब भी कहीं किसी भी समारोह में जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो इनके साथ हम जरूर जाते हैं, ये इनको हम लेके जरूर जाते हैं। तो सूरज सर, आप ये बताइए कि पिछले 4-5 साल से हम लोग आ रहे हैं, और मुझे ऐसा पता चला है, मुझे मालूम है कि भगवान ने आपको तरक्की दी है, अपने अपने काम पर भी तरक्की दी है, जहाँ पर आप अपना काम करते हैं वहाँ पर भी आपकी पोस्ट पड़ी पड़ी है, तो क्या आप इसका श्रेय भगवान को देना चाहते हैं या अपनी अपनी मेहनत को देना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भगवान का आशीर्वाद ही है अपने ऊपर, और बिना भगवान के आशीर्वाद का सर कुछ हो भी नहीं सकता। उनका आशीर्वाद जब तक ना हो तब तक आप तिनका भी नहीं अंतर इस संसार में। तो जो तरक्की मिली है मुझे पारिवारिक तौर पर भी, और प्रोफेशनली भी, फाइनेंशियली भी, वो सब भगवान भोलेनाथ की देन है, और मैं उनके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहूँगा कि भगवान हम सबको तरक्की दें, और हम सब आगे बढ़ें, और सब मिलके एक साथ तरक्की करें। कि आपके विचार जानकर हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने सभी के लिए सब कुछ अच्छा ही सोचा है। भगवान करे आपके लिए भी सब कुछ अच्छा ही हो, यही हम कामना करते हैं। और भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं कि आने वाले सालों में भी हम भगवान के दर्शन करने बार बार आएँ, जहाँ पर भी हमें मौका मिलता है हम जाते जरूर हैं, लेकिन फिर भी एक साथ आए, ये हमारा एक मोटो रहता है कि जब भी हम कहीं जाएँ तो हम दोस्तों के साथ जाएँ, ताकि हम सब आपस में मिलकर एक दूसरे से प्यार
काट सके और भगवान के दर्शन कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हम किसी और स्थल पर जहाँ पर किसी और जगह पर किसी और मंदिर के दर्शन करने के लिए हम जाएंगे, तब आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए जय माता।